मेरे प्यारे बच्चों, आजकल आप मीडिया को काफी नजर से देख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो आज का जो चर्चा का जो विषय है, जो आज का घटनाक्रम जो हुआ है मणिपुर को लेकर के, मणिपुर कांड जो है आज देश में सुर्खियों में बना हुआ है। प्यारे बच्चों, ऐसे देश की हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि जहां पर स्त्रियों को नंगा करके और घुमाया जाए, उनको ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इतने लोग, इतने पुरुष उसके पीछे हथियारों के साथ भाग रहे हैं। किस तरह से विभक्त घटना हमारे देश में हो रही है। तो प्यारे बच्चों, हमारा समाज किधर जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और बच्चे जिनको संस्कार सही ढंग से नहीं मिल रहे हैं, ऐसी घटनाओं को बार बार अंजाम देते हैं, तो बार बार उनको दोहराते हैं और इस तरह के घटनाक्रम से आज हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरे यानी विश्व के भी देश आज बहुत आहत और बहुत हृदय विदारक घटना, दर्दनायक और विभक्त, शर्मसार और झकझोर देने वाली घटना देश के अंदर प्यारे बच्चों घटी है, जिसको मीडिया में दिखाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये बहुत हमारे देश के लिए शर्म की बात है और ऐसी घटनाओं की हम अपने चैनल के माध्यम से अपने बच्चों को समझाते हुए इसकी भर्त्सना करते हैं और निंदा भी करते हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में सभ्य समाज के अंतर्गत नहीं घटनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे आज एक बाबा साहब का अंतिम भाषण याद आ रहा है। जब अंतिम भाषण बाबा साहब ने दिया था, पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था कि अगर संविधान बुरे हाथों में जाएगा, बुरे लोगों में जाएगा, तो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा ना क्यों ना हो, वो खराब ही होगा। और अगर संविधान अच्छे हाथों में जाएगा, तो वो कितना भी खराब क्यों ना हो, वह संविधान अच्छा होगा। प्यारे विद्यार्थी, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। आप देख रहे हैं कि जो सत्ता है किस तरह से कितना कानून का पालन करती हैं। और आज हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट सीजेआई जो चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने इस पर घोर आपत्ति दर्ज की है और इसकी भर्त्सना की है। और उन्होंने इतना तक कहा है कि अगर सरकार इसमें कदम नहीं उठाती है, तो फिर हम अपना कदम उठाएंगे। ये भी सीजेआई जो बहुत ही हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं, ये बहुत ही निष्पक्ष और कर्मठ व्यक्ति हैं। हम जितनी भी इनकी प्रशंसा करें, और कोई लोभ लालच नहीं है, उतनी हम सराहनीय भी है। लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही हैं और किस तरह से हमारे देश का जो युवा है, और भटक कर माता बहन और इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कई घटनाएं हमने देखी हैं और मीडिया के द्वारा आती रहती हैं, जहां पर जगह जगह हिंसक वारदात भी होते रहते हैं,
निचले वर्ग और ऊंचे वर्ग के साथ। और अभी एक घटना मध्य प्रदेश में भी हुई थी, एक आदिवासी के सर पर मूता जाता है और फिर उसके को पवित्र किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम राजनीति में नहीं जाकर, क्योंकि हमारा काम उद्देश्य पढ़ाना, लेकिन इसको इस तरह की घटनाओं पर भी हमें भारत का जो संविधान है वो इजाजत देता है बोलने की आजादी। तो प्यारे बच्चों, हमें भी इस पर, इस तरह की घटनाओं पर आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हम भी एक सभ्य समाज के, भारत के नागरिक हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी के साथ आज शुरू कर रहा हूं बाबा साहब के बारे में और संविधान निर्माता और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो ना तो कभी महात्मा गांधी जी ने ऐसी कल्पना की थी और ना ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तरह की कभी कल्पना की थी ये हमारा भारत ऐसा होगा। लेकिन उनके विचारों में मतभेद तो थे, ठीक है, दोनों की, तो दोनों की विचार धाराओं के बारे में, मतभेद के बारे में भी बताएंगे। और सभी किसी पार्टी का पक्ष ना लेकर के यहां पर इस तरह की चर्चा करेंगे एक निष्पक्ष तरीके से, जो एक टीचर का कर्तव्य होता है, और अपने बच्चों को जो संस्कार दिया जाए उसके का प्रयास होता है। तो टीचर यही चाहता है कि जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे ना जाए, ना भटकें और कामयाब हों और अपने देश का नाम रोशन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, में ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज स्टार्टिंग कर रहा हूं, ठीक है, महात्मा गांधी वर्सेस भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर समझेंगे, ठीक है, यहां पर आज का विषय हमने लिया है इसी को ध्यान में रखते हुए घटनाक्रम को, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। और अपने जो बच्चे मोबाइल पर हैं, मोबाइल के माध्यम से, और जो मोबाइल है नहीं तो लगा करके टीवी के माध्यम से, मैंने डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत संपूर्ण ज्ञान दिया है वहां पर, उससे ज्यादा आपको किसी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। और आप जानिए महापुरुषों के बारे में, दोनों की और दोनों की विचारधाराओं के बारे में, उन दोनों के क्या विचार थे और क्या मत थे, इनके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे विषय मैंने बता दिया है, महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य तल्खी और विवाद और क्या मतभेद थे और विचारों को लेकर, क्योंकि इनके बीच में दोनों ही राष्ट्र स्तर के नेता थे। यहाँ पे बात करते हैं, अगला कहीं से समझ जाओगे, मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा तो आप एक एक चीज को बहुत आसानी से समझ जाओगे। भारतीय समाज में दोनों का योगदान अविस्मरणीय है। देश को आजादी दिलाने के सूत्रधार बने दोनों, ठीक है, कौन थे, महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई थी। और यहां पर चलते हैं, जो डॉक्टर, जो बाबा साहेब, जो भीमराव अंबेडकर थे, दोनों का योगदान यहां पर आधुनिक ताक से लबरेज प्रगतिशील संविधान करोड़ों लोगों को दिया। तो बाबा साहब ने जो अपना संविधान दिया था जो कि लबरेज था और एक प्रगतिशील संविधान दिया था, क्या आज उसका सही दिशा से प्यारे विद्यार्थियों पालन हो रहा है? आप खुद ही समझिए, आप खुद समझदार हैं, ठीक है, यहां पर समझिए। यहां पर देश को आजादी देने के सूत्रधार बने, यहां पर भाषा, पहनावा, बोली और जाति और मजहब में बटे पूरे देश को एक किया, ठीक है, क्योंकि आंदोलनों के द्वारा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और भी चंपारण, खेड़ा और भी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के द्वारा ये सब चीजों एक यानी मंच पर इकट्ठा किया। आगे चलते हैं, यहां पर ये इनके यहां पर विशेषता है। और यहां पर जो बाबा साहब के बारे में
गरीब जो मजदूर और दलित और जो आदिवासी और पिछड़ा जो वर्ग था, ठीक है, पानी का जिन्हें अधिकार नहीं था, और बाबा साहब ने महार आंदोलन किया था जहां पर ये समझिए कि पानी के लिए कितना संघर्ष उन्होंने किया था, और जहां पानी पीने नहीं दिया जाता, जबकि उनके जानवर जिन्हें पानी पीने नहीं दिया जाता था अछूत वर्ग, उनके जानवर वहां पानी पी सकते थे, लेकिन एक आदमी पानी वहां नहीं पी सकता था। और इतना था कि उस समय का जो समाज था, जो अगर आदमी थूकता था तो उसको हड़िया बांध दी जाती थी, और अगर वो जब चलता था पैर की परछाई ना पड़े तो उसके पैर में कि पीठ के पीछे एक झाड़ू बांध दी जाती थी जिससे पैर ना पड़े। यहां तक कि जो उनकी किसी अछूत की परछाई थी उससे भी लोग भागा करते थे, और क्या हम पर अछूत की परछाई ना पड़ता। और इसके लिए जो है उनके पैरों में घुंघरू बांध दिया जाते थे जिससे कि ये पता लग जाए कि दलित आ रहा है। तो कितना समाज था। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो मणिपुर की जो घटना, प्यारे बच्चों, क्या हमारा समाज कितना सुधर पाया या उनकी स्थिति कैसी है। तो हम अगर एक आदमी मनुष्य है तो मनुष्य को मनुष्य की चिंता करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखिए, उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, ठीक है, सभी को पढ़ने लिखने का, और वोट का अधिकार दिया, और आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप किस पार्टी को दे रहे हैं, आप जहां भी कर रहे हैं कि आपका नेता कैसा है, किस टाइप का है। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कि जो नेता भी हैं वो किसी का मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, वो अपने वर्ग के लिए ऐसे चुन के जाते हैं लेकिन वर्ग के लिए कुछ नहीं करते। यहां तक कि मैं इतना यहां पर कह रहा हूं दावे के साथ कि जो समाज के जो नीचे वर्ग के जो लोग हैं वो पढ़ लिख करके जाते हैं लेकिन समाज के लिए अपना योगदान नहीं देते। तो एक स्टूडेंट का कर्तव्य है कि जब वो पढ़ लिख करके जाए तो वो अपने समाज या भारत को या देश को समाज की सेवा में योगदान दे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर का अधिकार, अस्पृश्यता की समाप्ति, ठीक है, यहां पर। और इन्होंने अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए कदम उठाया, छुआछात की जो घटना थी उनको इनमें, यहां पर इन्होंने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी इन राष्ट्रपिता ने। यहां पर ध्यान रखेंगे दो शब्दों को, गांधी जी जो परंपरा थी, जो विचारधारा थी गांधी जी की, वो वेदांत विचारधारा से थे, और यहां पर भगवत गीता और यानी कि राम राज्य की से वो प्रेरित थे। और आपने आप सुना होगा कि रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो इस तरह के गांधी जी की विचारधारा थी उस समय। तो यहां पर सही हुए इन धारा से प्रेरित थे। तो किसी भी आदमी के बड़ा होने में उसकी विचारधारा का बहुत महत्व है, और इन दोनों की विचारधाराओं को देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ढाल के बनाया है, और आप अपने बच्चों को भी दिखाएं। आपके जैसे कि कोई बच्चे हैं या आपके कोई भी हैं, तो वो जो बच्चे हैं तो वो पढ़ेंगे तो वो सीखेंगे, अच्छा मार्गदर्शन उनको होगा उस वीडियो को अपने टीवी के माध्यम से चलाएं, मोबाइल फोन से, यूट्यूब चैनल से, तो आपको एक दिशा मिलेगी, आपके बच्चे सुधरेंगे, ठीक है। ज्ञान बहुत जरूरी है बच्चों को, संस्कार जरूरी है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले गांधी जी को यहाँ पर लिखे, तो विचारधारा से प्रेरित और यानी कि चिंतक थे, और ऊंचे वर्ग में क्योंकि ये पैदा हुए थे, पूंजीवादी विचारधारा से जाति व्यवस्था और ये वर्ण व्यवस्था को कायम करना के रखना चाहते थे, ठीक है। क्यों रखना चाहते थे यहाँ पर समझाएंगे, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सुधार करना चाहते थे, हृदय परिवर्तन करना चाहते थे, और छुआछात को एक हृदय परिवर्तन के द्वारा उसको समाप्त करना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब मानते थे कि ऐसा
पॉसिबल नहीं है कि निराधार है आपका तर्क। आगे चलते हैं, डॉक्टर जो अंबेडकर हैं यहां पर, इनके जो है क्योंकि ये बौद्धिस्ट थे, बौद्धिस्ट विचारधारा थे, और वेदांत के बाद जो हमारे ऋग्वेद का जो अंतिम चरण है वहां पर वेदांत है आते हैं, तो वहां पर के बाद एक बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो यहां पर आप हम बौद्ध धर्म के बारे में और सभी जितने भी महान लोग हुए हैं तो सबके बारे में बताएंगे, और हमने पहले गांधी जी के ऊपर भी पूर्णता बना रखी दिया, आप देख सकते हैं, और जिनको गांधी जी के बारे में समझना, और यहाँ पर दोनों के अंबेडकर के बारे में बताइए और दोनों के विचारधाराओं को लेकर के भी चल रहे हैं, और आगे भी जो महान जो लोग हैं उनके बारे में भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, और इसके द्वारा आपको इसमें जो परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको साथ साथ लेके समझाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है एक पंथ और कई काम होंगे आपके, यहाँ पर बौद्ध और आधुनिक विचारधारा से प्रेरित थे, और उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी कि इसका योगदान होगा जो बच्चे महात्मा गांधी पर या अंबेडकर पर निबंध लिखना चाहते हैं, या उनके लिए भी बहुत है, वो इन्हीं तथ्यों को लेकर के विशेष तौर से या दोनों का अंतर पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं, महापुरुष है, और यहाँ पर ये कबीर के अनुयायी थे क्योंकि इनके फादर भी थे, यहाँ पर उनकी परंपरा से थे क्योंकि फादर का प्रभाव था, यहाँ पर बुद्ध और रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि शेक्सपियर क्योंकि इनके फादर भी मानते थे, और इनकी विचारधारा मैंने उस क्लास में बता दिया था, और ये इनके ऊंचे कुल के थे, और जो ये बाबा साहब कैसे थे नीचे कुल के थे यानी कि महार जाति से थे, सभी धर्मों को मिलाकर ये चाहते थे कि सभी जो धर्म है सभी धर्मों को मिलाकर के एक ऐसा ग्रंथ तैयार होना चाहिए जिसमें सभी लोगों को अधिकार हक मिल सके, ना कि किसी वर्ण के आधार पर हक मिले, ऐसा बाबा साहब का कहना। तो दोनों की विचारधाराओं को आप देखिए, यहाँ पे जो राष्ट्रपिता के जो विचारधारा थे, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, इन्होंने राष्ट्रपिता जी ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था उतनी नैसर्गिक नहीं है, समझिए, ठीक है। राष्ट्रपिता कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक है जितना कि न्यूटन का सिद्धांत। इसका मतलब है नैसर्गिक व्यवस्था यानी कि ऐसा मानते थे वर्ण व्यवस्था को यानी कि न्यूटन का सिद्धांत, यानी कि उसको उन्होंने जोड़ा था। अब समझिए कि इसके बारे में महात्मा जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विचार क्या था। अब इन्होंने ये कहा कि एक बच्चा जब ऊंची जाति में पैदा हुआ यानी कि वर्ण हुआ हो गया वहां पर किसी तरह से, एक बच्चा ऊंची जाति में पैदा और एक बच्चा तुक्के से वो नीची जाति में किसी भी तरह से वो पैदा हो गया हुआ, इसमें बच्चे का क्या गलती है कि उसको पढ़ने का अधिकार ना दिया जाए या पानी पीने का अधिकार ना दिया जाए। तो देखिए दोनों की विचारधाराओं को हम लेकर चल रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा एक एक चीज को। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो राष्ट्रपिता, ठीक है, दोनों को लेकर देते हैं, तो यहाँ पर जीके भी बताते चले जाते हैं। राष्ट्रपिता की जो उपाधि जो दी थी वो किसने कहा था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से संबोधित किया था राष्ट्रपिता, ठीक है। अब यानी कि लड़ने का समय आ गया है, ठीक है, तो वहां पर आगे यहाँ पर चलते हैं। संविधान निर्माता थे, ठीक है, और यहाँ पर दोनों के बीच की टक्कर देखिए आप, ठीक है, इनके विचारधाराओं में अंतर। ये आप देखिए वहां पर वो नैसर्गिक और उसको न्यूटन का वर्ण व्यवस्था को गांधी जी कहते हैं कि वो न्यूटन का सिद्धांत है, और यहाँ क्या क्यों पैदा हुआ इसके बारे में भी वो बताते हैं गांधी जी के क्यों पैदा हुआ, ये संयोग से पैदा हुआ। तो गांधी जी कहते हैं कि ये कोई संयोग से पैदा हुआ है, पैदा, ठीक है, संयोग से पैदा नहीं हुआ कोई संयोग से, क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि कोई आदमी संयोग से यानी कि किसी तरह से तुक्के से वहां पैदा हो गया। अब ये कह रहे कि संयोग से नहीं हुआ है, यानी ये ईश्वर के ईश्वर ने इसे यहां भेजा है, हृदय परिवर्तन से होगा, ठीक है। तो यहां पर ये ईश्वर के विचारधारा से को मानते थे। अब देखिए इसके बारे में
अंबेडकर क्या जवाब देते हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा नीच परिवार में पैदा हो, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का मतलब ये हर जाति में पैदा हुआ हो गया, तो क्या उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? आप जैसा व्यक्ति कभी कभी 2,500 या 3,000 सालों में पैदा होता है, जब आप नहीं कर पाए अभी तक, तो हम क्या 2,500 वर्ष तक इसका इंतजार करेंगे? ये बाबा साहब तर्क देते हैं। तो यहां पर बाबा साहब ने और आगे बढ़ के कहा कि आज बच्चे का एक जन्म होता है एक परिवार में, ठीक है, किसी भी तरह से वो जन्म लिया, ठीक है, अब यहां पर बच्चे ने जन्म लिया और उसने कोई जो वो परिवार है वो कोई ना कोई धर्म को मानता है, और वो धर्म को जब मानता है तो वो बच्चा धर्म को उसको सीखता है और उसके अंदर धार्मिक चेतना आती है, और धार्मिक चेतना से ही बच्चे में फिर भी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था होती है, क्योंकि हर लोगों के धर्म अलग अलग हैं और अलग अलग धर्मों के होने की वजह से वो अपने में वर्ण व्यवस्था आ जाते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का मेन यहाँ पर कारण क्या है कि धर्मों का अलग अलग होना, कोई एक ग्रंथ हमारे भारत में जब नहीं था, अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग मान्यता थी, तो बाबा साहब का ये था कि सबको मिलाकर के एक ग्रंथ ऐसा बने जिसको सभी वर्गों के लोगों को उसमें अधिकार हो और उसकी कोई अवहेलना ना कर सके, सबको माना जा सके, एक ऐसा ग्रंथ। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे समझे, यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं कि यहाँ पर ये कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा, तो यहाँ पर जब इन्होंने कहा कि भाई क्या ये बच्चा जन्म है तो हम क्या, तो फिर इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि ये कैसे होगा, तो यहाँ पर बाबा साहब ने ये समझाया है कि इस तरह से कि एक यानी कि सबको मिलाकर एक संविधान बनना चाहिए और सबको मानना। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, ठीक है, लंदन में, ठीक है, और 1932 में यहाँ पर ब्रिटिश पीएम कौन थे, सर मैकडोनाल्ड, ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, पूना पैक्ट के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर आपको दोनों को मिलाकर जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस गांधी और सहयोगी पार्टी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सांप्रदायिकता का पंचांग और यहाँ पर गांधी जी द्वारा विरोध, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो द्वितीय संबोधन हुआ था तो इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, एकमात्र अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, पहले अधिवेशन में कांग्रेस गई नहीं और यहाँ पे कर्नल अवार्ड संप्रदायिक पंचायत को लागू कर दिया जाता है। अब इसलिए अब ये क्यों किया गया यहाँ पर कर्नल अवार्ड या कहते हैं, तो यहाँ पर जो दलित जो नेता थे, तो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे, और इसमें जो मुस्लिम जो नेता थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, दूसरे कौन थे, आगा खां थे, आगा खां भी थे और जिन्ना भी वहां पर गए थे, दोनों ने यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में अपनी अपनी बातों को अपने अपने विचारों को यहाँ पर रखा, और यहाँ के यहाँ पर जो गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने जो मुस्लिम का जो नेतृत्व कर रहे थे आगा खां को भोजन पे वहां पर बुलाते हैं, उनसे साइन करवा लेते हैं, तो इस तरह से कुछ चालाकी के द्वारा वहां ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम एक हैं, ठीक है, लेकिन अंत में आकर के जो आगा खां और जो अंबेडकर थे ये एक हो जाते हैं और अंत में ये कहते हैं कि हाँ हमारे देश में भेदभाव है, छुआछूत है, ऐसी घृणा है, तो ये दोनों मान, और तो इस विवाद के चलते हुए यहाँ पर, ठीक है, दलित के खिलाफ, ठीक है, दलितों के लिए यहाँ पर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की और अलग चुनाव क्षेत्र दलित अलग चुनाव क्षेत्र और दलितों का एक उम्मीदवार होना चाहिए और उसका दलित ही मतदाता होना चाहिए, तो उन्होंने अलग चुनाव क्षेत्र की बात की। अब ये गांधी जी को इसका बहुत गहरा सदमा लगा और गांधी जी ने इसका विरोध किया, ठीक है, क्या है, गांधी जी ने विरोध कर रहे हैं यहां पर पूना पैक्ट में, आगे पूना पैक्ट में यहां पर गोलमेज सम्मेलन,
क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तो आप पूना पेस्ट को यहां पर अब देखिए यहां पर रह गए आपकी विचारधारा यानी कि गांधी युग। ठीक है, क्या है यहां पर गांधी युग के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे ज्यादा बढ़ गए। हाँ ठीक है, तो यहां तक हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। चलिए दो, चलिए हाँ, तो यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 20 अगस्त यहां पर 1932 को महात्मा गांधी, ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो महात्मा गांधी थे आ गए यहां पर, ये यरबदा जेल में थे। कहां? यरबदा जेल पुणे में। और यहीं से गए अनशन पर बैठ गए और इन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर दी, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत जो सर रैमजी मैकडॉनल्ड थे, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसकी घोषणा कर दी थी। अब यहां पर ये हड़ताल और भूखा यानी कि जेल से बैठ जाते हैं, बैठ गए और इनका जो निर्जल शरीर हो गया था काफी यानी कि, और अस्वस्थ हो गए थे यहां पर। ठीक है, यानी कि जो शरीर है वो बीमारियों से ग्रस्त हो गया था और वो स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अब इससे जब इनकी स्वास्थ्य खराब हो गया तो अंबेडकर को बहुत चिंता होने लगी कि भाई राष्ट्र, क्योंकि जब गांधी जी का कद हमारे देश में सबसे ज्यादा बड़ा कद था और गांधी जी की बात को हर नेता मानता था उस समय, तो यहां पर स्वस्थ, ठीक है, ऐसा होने, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूना पैक्ट के द्वारा कभी हमारे देश के जो नेता हैं, जो माननीय है वहां पर उस समय, तो उस समय वो कहीं चले ना जाए, इससे आहत होकर के, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने, तो यहां पर दोनों की विचारता यहां पर कि अंबेडकर का यहां पर क्या था कि गरीब मजदूर और जो दलित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग और भारत में खुशी का माहौल था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड है यानी अलग निर्वाचन मंडल वहां पर आ गया, तो यहां पर खुशी का माहौल था और यहां पर गांधी जी क्या कर रहे हैं कि वो अनशन पर बैठ जाते हैं, तो यहां पर राजनेता के प्रति चिंता सताने लगती है और कहीं, ठीक है, पूरा देश का माहौल खराब ना हो जाए, तो यहां पर सुलह होती है। ठीक है, सुलह का रास्ता एक खुलता है और यहां पर सुलह का जो रास्ता है वो किन्होंने खेला था, ये वकील थे गे सर बहादुर सरपू के द्वारा, और यहां पर एक समझौता तैयार किया गया जिसे हम दोनों के मध्य अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य ये पूना पैक्ट हुआ था, बार बार क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। अब इस जो पूना जो पैक्ट जो यहां पर ये हुआ था, इसके अंतर्गत, ठीक है, क्या दलितों को क्या अधिकार दिए गए, क्योंकि इसके तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई, किस किस में की गई। यहां पर जो केंद्रीय विधानसभा थी, इसमें केंद्रीय विधानसभा में दलितों को इतना परसेंट आरक्षण, और यहां पर जो प्रांतीय विधानसभा थी इसमें 148 सीट यानी कि दलितों को, और स्थानीय जो संस्थाएं थी इसमें भी आरक्षण दिया गया, और यहां पर अंबेडकर ने नौकरियों में भी आरक्षण की मांग की। तो आरक्षण ब्रिटिश काल के दौरान ही शुरू हो गया था और वोट देने का भी अधिकार ब्रिटिश काल में ही हुआ था, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पर जो दलित और महिलाओं को वोट का अधिकार यहां पर मिल गया था पहले, ठीक है, देने का अधिकार, और यहां पर आरक्षण की भी व्यवस्था ब्रिटिश काल में ही यहां पर अंबेडकर ने अंग्रेजों के द्वारा ये कंप्लीट कर ली थी यहां पर, ठीक है, काफी हद तक। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर 1937 में, ठीक है, आगे यहां पर चुनाव होते हैं बंबई प्रांत में, और यहां पर कांग्रेस पार्टी और सहयोगी पार्टियों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को पराजय यानी कि कर दिया जाता है, यानी कि जब बॉम्बे प्रांत में महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए, जब 1937 की यहां पर बात कर रहे हैं,
तो जब ये सभी जो विपक्षी नेता थे, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी और उसके संबंधी जो पार्टी थे, जो ऊंचे वर्ग में थी और जो उस विचार धारा से प्रेरित थी, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 1926 में, क्योंकि फिर चुनाव होते हैं बंगाल में, और यहाँ पर मुस्लिम लीग के समर्थन से डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर विजय हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुस्लिम लीग का समर्थन मिला और यहाँ पर अंबेडकर सफल हो गए। और यहाँ पर भी जो गोलमेज सम्मेलन में भी मुस्लिम लीग ने बाबा साहब का समर्थन किया था उस समय, गांधी जी अब विरोध कर रहे थे, इसी कारण से वहां पर कम्युनल एवॉर्ड्स लागू कर दिया था। अब बच्चों आगे यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट में। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर बाबा साहब को मुस्लिम लीग का समर्थन मिलता है और वो विजयी हो जाते हैं यहां पर। अब आगे यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए, यहां पर एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि जब बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन जा रहे थे, और पिछली क्लास में भी मैंने डॉक्टर अंबेडकर पर जो बनाई है उनकी जीवनी में, तो उसको ध्यान से पढ़े, उनको कितनी नॉलेज और कितनी किताबें थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनका बच्चा जो बड़ा है वो एक्सपायर हो जाता है और बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन भी जाना था। अब बाबा साहब पे समाचार आता है जब वो तैयार हुए कि आपका बच्चा खत्म हो गया, और बाबा साहब ने कहा, क्या जवाब दिया कि मेरा एक बच्चा खोया है, मैं करोड़ों भारतीयों को नहीं खो सकता। तो प्यारे बच्चों, ऐसे महान इंसान को हम बार बार सलाम करना चाहिए। मैं किसी इस तरह से नहीं कर रहा हूं कि किसी जाति विशेष को लेकर या किसी पार्टी विशेष को लेकर या किसी संप्रदाय को, एक ह्यूमनिटी के नाते मेरा यही संदेश है, जिस इंसान ने आपके लिए काम किया, अपना पूरा परिवार गंवा दिया और आपको एक इतना लोकप्रिय और लजबर तरीके से जो संविधान दिया, अपनी सारी खुशियां नौछावर कर दी और अपने संतानों को नौछावर कर दिया, और तो ऐसे महान पुरुष दुनिया में कितने शताब्दियों के बाद पैदा होते हैं। और यहां पर बात करते हैं, दोनों राष्ट्रपिताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं और दोनों की विचारधाराओं के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आप समझते रहिए कि दोनों के विचारों में क्या अंतर है। अब यहां पर जो गांधी जो युग है, ठीक है, तो गांधी युग के भी बारे में हम यहां पर बता रहे हैं, कभी कभी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है आपके में, ठीक है। तो वो गांधी जो युग है वो 1919 से स्टार्ट होता है और 1948 के स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम में एकमात्र जो राष्ट्र नेता के रूप में जो उभरे थे, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो गांधी जी थे, ठीक है। तो यहां पर इन्हें इसलिए गांधी युग या युग निर्माता के रूप में भी यहां पर माना जाता है। लेकिन इस पर गांधी को जो गांधी जो युग है या युग निर्माता पर बाबा साहब को क्या आपत्ति थी, इसके बारे में भी समझाएंगे। तो यहां पर ये कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर यहां पर सिद्धांत के यानी कि विचारधारा थी इनकी, यानी कि सिद्धांतिक और लॉजिकल और बहुत तर्कपूर्ण तरीके से वो महात्मा गांधी की काट करते थे, ठीक है, उनके विचारों के किस आधार पर, तो यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर समझिए कि देश को गांव में एक जो यहाँ पर पहला यहाँ पर नंबर लेते हैं, इनके विचारों में अंतर,
ठीक है, देश को गांव में बसाना, तो यहां पर गांव ध्यान रखेंगे को बसाना चाहते थे यहां पर, यानी कि ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना की थी वो किसने की थी, गांधी जी ने की थी यहां पर, देश के विकास में ठीक है के लिए लोगों को गांव ठीक की ओर रुख करने को कहा, क्योंकि गांव हमारा देश यानी कि उसमें बसता है। लेकिन गांधी जी पूंजीवादी परंपरा थे विचारधारा से प्रेरित थे और वर्णवादी विचारधारा से भी प्रेरित थे। अब यहाँ पर चलते आगे यहाँ पर जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का क्या मानना था कि गांव को शहरों से जोड़ना ठीक है, क्योंकि गांव को शहरों से जोड़ना चाहिए, क्योंकि गांव जो वहां पर शहर में शिक्षा और विकास से जोड़ना, क्योंकि वहां बच्चे को किसी को शिक्षा मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि उस समय गांव में कोई स्कूल नहीं थे इतनी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा भी नहीं थी यहाँ पर। तो अगर किसी बच्चे का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो वो क्या करेगा, तरक्की करेगा, विकास करेगा, क्योंकि आर्थिक, क्योंकि जब वो तरक्की करेगा, विकास करेगा, तो उसकी आर्थिक उन्नति तभी हो सकती है जब गरीब लोगों के पास एजुकेशन हो और एजुकेशन के द्वारा वो देश की सेवा कर रहे हैं उसके पास सर, क्योंकि जब किसी के पास पूंजी नहीं है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन ही सबसे बड़ा बेहतर ठीक है। तो वो कहते हैं बाबा साहब के बेहतर शिक्षा सिर्फ क्योंकि शहरों में ही यहाँ पर मिल सकती है, और बिना इसके दलित और जो आदिवासी जो महिलाएं जिनको शिक्षा से वंचित किया गया है ठीक है, विकास के चक्र में लाना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक इनको शिक्षित नहीं किया जाएगा और ये विकास नहीं करेंगे, इसकी आर्थिक कंडीशन कैसे सुधरेगी, और क्योंकि इसलिए इनको कहाँ जाना चाहिए, शहरों की ओर, यानी कि देश शहरों की ओर होना चाहिए, ऐसा मानना किनका था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। अब यहाँ पे जो गांधी जी जो मानते थे, इसलिए इनके दोनों के जो विचारों को लेकर के ही जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको हमारे जो ठीक है पंचायती राज व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में जो दिया गया है उसमें किस में डाल दिया गया, राज्य के नीति राज्य का कर्तव्य माना कि उस पर बनाए। आगे चलेंगे यहाँ पर ये सत्याग्रह, तो यहाँ पे सत्याग्रह का अधिकार, अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए क्योंकि जो गांव में समझेंगे कि क्योंकि गांव में कुछ लोगों के पास जो जिनके पास पूंजी है और जिनके पास भूमि है और जिनके पास एक गरीब है, अगर वहां पर इकाई के रूप में माना जाएगा तो नीचे के जो वर्ग है उनको वहां पर कैसे न्याय मिलेगा, ऐसा बाबा साहब का मानना था। अब यहाँ पर जो सत्याग्रह है, तो यहाँ पर जो सत्याग्रह के अधिकार में ठीक है, इनको भी लेकर के सत्याग्रह को भी लेकर के दोनों के बीच में मतभेद था। एक यहाँ पर क्या गांव को लेकर के दोनों के, और ये किससे जोड़ना चाह रहे हैं, गांव को लेकर के मतभेद, और दूसरा मतभेद है इनके बीच में तो सत्याग्रह को लेकर। अब यहाँ पर क्योंकि सत्याग्रह यहाँ पर समझिए, क्योंकि जो सत्याग्रह का जो अधिकार गांधी जी मानते थे वो ऊंची जातियों के लिए देना चाहते थे, छुआछूत को खत्म करने का बीड़ा ऊंची जातियों को उठा सकती है, ऐसा मानना गांधी जी का था। लेकिन इसमें जो तर्क जो दिया बाबा साहब ने, तो जो ये बाबा साहब के जितने भी जो तर्क हैं ठीक है, उनके जो जीवनी है ठीक है, लाइफ ऑफ मिशन, उसमें ये सब चीजें दी गई हैं, आगे समझेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पूर्णता निराधार है, वहां जो अंबेडकर ने कहा कि सत्याग्रह पूर्णता निराधार है, सत्याग्रह के रास्ते जो ऊंची जातियों के जो हिंदू हैं, हिंदुओं को हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता ठीक है, क्योंकि सत्याग्रह के माध्यम से जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनका हम हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त होता है, क्या होता है, भौतिक लाभ प्राप्त होता है, और इस लाभ का त्याग वह कभी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है, क्योंकि सत्याग्रह अगर ऊंची जातियां करेंगी
हिंदुओं को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति जो प्रथा, क्योंकि जाति प्रथा के द्वारा ही इनको बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? उनको बेनिफिट मिलता था, यानी भौतिक लाभ किनको मिलता था? जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो धार्मिक वगैरह उसमें धर्म में विलीन होकर के, और वहाँ पर जो नीचे वर्ग के जो लोग हैं वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह के लिए, वैसे मंदिरों में जाने का प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान, तो उनका हित के लिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर जो बापू है, तो यहाँ पर समझेंगे जीके में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बापू की उपाधि कितने दी थी, तो आपको जवाहरलाल नेहरू ठीक है कहते थे, और इनको बाबा, ठीक है समझेंगे बाबा, यानी कि इनको बापू और इनको क्या बोला जाता है, बाबा। ठीक है, बाबा साहब प्यार से लोग बोलते थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर धीम जी दोनों में। यदि यहाँ पर चलेंगे आगे, जो अंतर है इसमें, समाज में छुआछात को लेकर इनके दोनों के बीच में मतभेद था। क्या था? ये छुआछात को लेकर। अब इसमें तीसरा जो मतभेद है, दोनों के मत क्या है, यहाँ पे समझे। तो यदि भारतीय समाज में छुआछात जैसे अभिशाप को ठीक है बाहर कर दिया जाए, तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप तर्क सुनिए, बाबा साहब का क्या तर्क देते हैं। तो यहाँ पर जब तक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी, ठीक है, छुआछात जैसे अभिशाप नए नए यानी कि रूप आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर समाज में छुआछात रहेगा, तो वो नए नए रूप से वो फिर आता रहेगा, इस तरह से पनपते रहेंगे, और समाज में जो घृणित है ठीक है और भयानक और शर्मसार घटनाएं भी होती रहेंगे। और आजकल आपने देखा होगा कि क्योंकि समाज में आप जो यहाँ पर देखिए बाबा साहब का जो इनके बीच में है, अब भी ये घटनाएं घटती रही हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि मणिपुर का बहुत ही चर्चित विभंस, यानी कि जिसको कहें शर्मसार, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, तो उसने आप देख रहे होंगे मीडिया के द्वारा, तो यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यों को अधिक शक्ति, ठीक है, अब ये बाबा साहब का दोनों को कहता राज्यों को लेकर के मतभेद था, दोनों को समझिए यहाँ पर राज्यों को लेकर। अब राज्यों को लेकर के दोनों के अंदर क्या मतभेद था, को अधिक शक्तियां देने के विरोधी थे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी राज्यों को अधिक शक्तियां नहीं देते थे, क्योंकि वो गांव को शक्ति देना चाहते थे, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से वो गांव को, यानी गांव को सत्ता का प्रमुख इकाई बनाने की पक्षधर थे। तो वो चाहते थे कि वो गांव है, पंचायती राज है, या उसको एक प्रमुख रुखाई माना जाए। अब समझिए कि जहां पर गांव है, और गांव में जो दबंग है, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, अगर वहां को उसको प्रमुख इकाई बना दिया जाएगा, ठीक है, इससे और तो वहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो भूमिहीन है, गरीब है, जो वहां पर इतने अधिकार नहीं है, उनके पास कुछ भी अधिकार नहीं थे उस समय, तो उनको वहां पर कैसे न्याय मिलेगा, वो कैसे अपना विकास करेंगे, कैसे वो लोग तरक्की करेंगे। तो यहाँ पर अब समझिए बाबा साहब का तर्क क्या देते हैं। यहाँ पर राज्यों को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, ठीक है, और बाबा साहब कहते हैं कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा ताकत बनाना चाहिए, ना कि गांव को। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के, क्योंकि वो घोर विरोधी थे, और क्यों घोर विरोधी थे यहाँ पर समझ में आ गया है, तो कुछ विशेष वर्ग के लोगों का वहां पर प्रतिनिधित्व रहेगा, और वो अपने हिसाब से काम करेंगे, जिसमें जो छोटे जो वर्ग के जो लोग हैं उनकी अवहेलना होगी, इसलिए वो चाहते थे पंचायती राज के घोर विरोधी थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप, ठीक है, यहाँ पर समझेंगे, अगर आप अछूतों के, ठीक है, खैरवाए होते, तो खादी की बजाय अस्पृश्यता का निवारण को पहली शर्त बनाते, क्योंकि असहयोग आंदोलन में और भी कई आंदोलन में जो गांधी जी का जो मोटो था, तो वो गांधी यानी खादी पहनने के
बजाय। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपका इतना ही बड़ा मोटो था ठीक है, तो खादी के बजाय अस्पष्टता का निवारण करते ठीक है, पहली शर्त बनाते। अगर आप इतना चिंतित हैं दलितों के लिए और इतना आप करना चाहते हैं तो अस्पष्टता निवारण को पहली शर्त बनाना चाहिए था, ऐसा हाँ अंबेडकर जी का मानना था। आगे चलते हैं, यहाँ पर 14 अगस्त जो 1931 में, अब यहाँ पर जो गांधी जी ठीक है, मैं अब देखिए गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं वो क्या कह रहे हैं सोचिए। मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में जब से सोच रहा हूं, समझिए राष्ट्रपिता का क्या कहना है ठीक है। यहाँ पर मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में जब से सोच रहा हूं, जब आप पैदा नहीं हुए थे, अंबेडकर के लिए बोल कह रहे हैं कि आप जब पैदा नहीं होते, मैं जब से सोच रहा हूं। अब देखिए यहां पर आगे और यहां पर और ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की पहली ठीक है मुलाकात हुई थी, यहां पर पहली मुलाकात के दौरान थे, समझिए कब हुई थी पहली मुलाकात अंबेडकर और गांधी के बीच, 14 अगस्त 1931 को एक मुलाकात के दौरान इन्होंने ये बात कही थी, जो कि बाबा साहब ने अपने मिशन ऑफ लाइफ में इसको बताया गया है ठीक है। समाज के किसी वर्ग को, समाज के किसी अछूत वर्ग को अपने घर नौकरी पर रखा है। अब गांधी जी कह अंबेडकर बोल रहे हैं कि समाज के किसी अछूत को आपने अपने घर रखा है, जब आपको अछूतों की इतनी चिंता है तो यहाँ पर आगे चलते हैं ठीक है। अब आगे चल रहे हैं यहाँ पर, जब ठीक है यहाँ पर बात कर रहे हैं तो महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ठीक है, और जो युग निर्माता पर मैंने आपको समझा दिया है कब से कब तक रहा गांधी युग ठीक है। अब यहाँ पर जो महात्मा है वो किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गांधी जी और भारत रत्न इनको नहीं मिला, और भारत रत्न कौन किनको मिला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बारे में भी समझाएंगे कि महात्मा गांधी जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया ठीक है सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर बोधिसत्व की भी इन्होंने उपाधि धारण की थी ठीक है, यानी कि नेपाल में 1912 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं, पहले गांधी जी को ले लेते हैं, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे हैरानी की ठीक है थे, हैरानी की इसके बावजूद, यानी हैरानी इस बात की है कि इसके बावजूद भी आप मुझे हितेशी नहीं मानते हैं, ऐसा किससे कह रहे हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर से ठीक है। कि आप मैं यानी कि जब आप पैदा नहीं हुए थे, जब से मैं दलितों के बारे में सोच रहा हूं, हैरानी की बात इस बात की है कि मुझे आप हितेशी नहीं मानते। अब यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर गांधी युग मैंने समझा दिया है, अब इसका जवाब क्या दे रहे हैं, इनके विचार क्या थे डॉक्टर बी आर के, न ही यहाँ पर मैंने समझा दिया, न तो आपने किसी अछूत को नौकरी दी है अपने घर पर, और न ही अछूतों का कोई किसी का पालन पोषण आपने कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी ली है अछूतों की, और न ही आपने कोई खाना उनके साथ बैठ के खाया है ठीक है, तर्क दे रहे हैं, और यानी कि न ही कांग्रेस का अध्यक्ष कोई बना है ठीक है, और ना ही कोई जिलाध्यक्ष बना है, क्योंकि जब तक ये बाबा साहब की जो ये घटना है तो तब कोई अध्यक्ष नहीं था कांग्रेस का ठीक है। अब तो प्रेजेंट में बना दिया गया है अध्यक्ष, और मीरा कुमार जो थी वो पहले कांग्रेस के द्वारा महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, और अब जो है खड़गे जी जो हैं जो कर्नाटक से हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पर समझाएंगे कि राजनीतिक लाभ के लिए क्या क्या किया जाता है। तो वहां पर आप समझिए कि जब गांधी यानी कि फिर जब वहां की बंगाल की जब सीट चली गई थी, क्योंकि जब भारत का विभाजन हो गया तो बंगाल की सीट चली गई थी क्योंकि बांग्लादेश में, तो फिर ये सभी मिलकर के ठीक है, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा संविधान बनाना इतना उत्तम और अच्छी क्वालिटी का पॉसिबल नहीं था, इसलिए बाबा साहब को महाराष्ट्र के जो है मुंबई प्रांत के जो सीट को खाली किया गया और उनको वो सीट वहां पर दी गई। तो देखिए शिक्षा का क्या महत्व है,
और कब कब शिक्षा के द्वारा कोई राजनीति बदलती है और किस महापुरुष के द्वारा वो राजनीति बदल जाती है। आगे देखेंगे बनाया गया। और जब आपके लोग मंदिरों में, ठीक है, आपके लोग जब मंदिर है, तो यहाँ पर अंबेडकर बोल रहे हैं कि जब आपके लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, यानी कि जो मंदिरों में अछूतों का प्रवेश का विरोध, ठीक है, जब कर रहे होते हैं अछूतों को, क्योंकि मंदिरों में जाने का कोई प्रवेश यानी करने का कोई अधिकार नहीं था, और ना ही वो किसी तालाब पर वो पानी पी सकते थे, ऐसा समझिए, ठीक है, तो प्रवेश का कोई वो नहीं था और ना ही वो तालाबों में कोई पानी पी सकते थे। और इस तरह का विरोध जो ये कांग्रेस के या जो वहां के जो ब्राह्मण जो लोग थे, जो पुरोहित लोग थे, उनके द्वारा ये किया जाता था, लेकिन क्या उस समय कांग्रेस इस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती थी या सदस्य से उसको पद से कोई बर्खास्त किया जाता था? तो यहाँ पर आप समझिए, अब देखिए आप राजनीति को समझ रहे हैं कि राजनीति कहाँ कहाँ क्या क्या तरीके से पलटे लेती है, आप समझे। अब देखिए आपने देखा होगा अभी भी जो मंदिर पर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मंदिर पर, तो देखिए पहले कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जो सरकार थी, और अब कौन सी है, आप बीजेपी की सरकार है। तो देखिए क्या अंतर यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए जो मंदिर में जो प्रवेश है, जो हमारे जो राष्ट्र प्रमुख रहे हैं अभी, जैसे मुर्मू रही हैं, तो उनको भी मीडिया के द्वारा हमने सूत्रों से वहां पर जानकारी मिली, मीडिया के द्वारा हमने देखा था कि उनको भी मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो क्या मंदिर में जब प्रवेश करने से मुर्मू जी को रोक दिया गया, तो उस पर अब की जो सरकार है, जो सत्ताधीन है, जो बीजेपी है, तो उसने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, ठीक है? और वहां पर आपने देखा होगा एक दलित जो नेता है, ठीक है, इससे पहले जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति जो रहे हैं, तो उनको भी हमने मीडिया के द्वारा ही सुना कि उनको भी एक मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। तो देखिए क्योंकि इतने बड़े पद पर जाने के बाद बावजूद भी अभी भी हमारा जो संविधान है वो सही दिशा में लागू नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसको आप देखें यहाँ पर, क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष से कोई हमारा कोई लेना, हम एक टीचर की तरह काम करते हैं, यहाँ पर पानी का विरोध करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और अपने और जो पार्टी के जो कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसका मतलब देखिए उस समय भी जो सरकार जो थी और अब जो सरकार है, ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या अंतर यहाँ पर हो रहा। तो देखिए अपने अपने, क्योंकि मैं जो मानता हूं, तो जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपना अपना हित पहले देखती हैं, और उस जो पार्टी के जो जितने भी जो नेता हैं वो भी अपना अपना हित देखते हैं, और वो चाहे किसी वर्ग से लेकर के, तो वो पार्टी के लिए पहले काम करते हैं और उस जाति के लिए बाद में काम करते हैं। अब इसी को मैं संदर्भ लेता हूं कि पहले नेताओं में और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में क्या डिफरेंस था। जब गांधी जी और ने पूछा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, आप अंग्रेजों में से और देश में से किसको आप एक चुनोगे, आप किसको चुनोगे, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं देश को चुनूंगा। अगर फिर दूसरा बाबा साहब ने फिर जवाब दिया कि अगर देश और अगर जो नीचे की जो जातियां हैं, यानी कि जो नीचे जातियां हैं, अगर उनमें से आपको एक को चुनना, देश और नीची जातियों में से, तो आप किसको चुनोगे, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं नीची जातियों को चुनूंगा। तो आज के नेता और पहले नेताओं में कितना अंतर है, और कितने अपने राजनीति को चमकाने के लिए हर 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 पार्टी का यही हाल है। आप देखेंगे हर पार्टी के अंदर यही आज का हाल है, और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो जो बाबा साहब ने जो वोट का जो अधिकार दिया था, तो किसी लाभ से यानी कि किसी लालच के बस, और आजकल देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लालच दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, साड़ियां बांटी जाती हैं चुनाव के अंदर,
और यहाँ तक कि शराब वगैरह का इस तरह से पेटी की पेटियाँ पकड़ी जाती हैं और उनके बोटों को खरीद लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपकी घटना आप देखते रहते हैं, तो इस तरह के घटनाक्रम आपने मीडिया के द्वारा आते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने बोट का, हमारा कहने का मतलब है कि अपने बोट का जो आपको दिया है उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए प्रत्येक भारत को। तो हमारे पास सिर्फ एक बोट का ही अधिकार है, उसका भी हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पर आप ठीक है, तो वो आपका ठीक है वो है निजी कि आप, तो हमारा मतलब सिर्फ समझाना है, आपको माने या ना माने वो आपका दायित्व है। आगे समझेंगे यहां पर, यहां पर गांधी जी ठीक है, तो यहां पर गांधी जी को क्यों युग निर्माता ठीक है नहीं मानते, यहां पर समझेंगे। क्योंकि यहां पर जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गांधी जी सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा है, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल व्यक्ति है, यानी इतिहास का एक हिस्सा है, और एक इतिहास में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय वो एक राष्ट्र के एक स्वाधीनता संग्राम में वो सबसे बड़े प्रमुख राष्ट्र नेता थे। अब यहाँ पर कोई युग निर्माता नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा कोई उन्होंने युग का निर्माण नहीं किया। अब यहाँ पर जो, क्योंकि सरकार के द्वारा भी जो इनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है, अब उपाधि किनको दी जाती है और गांधी जी को क्यों नहीं दी, इसके बारे में अभी आप समझने का प्रयास करेंगे। आगे समझेंगे, यहाँ पर हम बाबा साहब को लेकर के चल रहे हैं। आगे यहाँ पर गांधी जी अंबेडकर से विरोधी की तरह वर्ताव करते, क्योंकि जो गांधी जी थे और अंबेडकर ठीक है, जब ये आपस में मिलते थे ठीक है, तो एक ऐसे मिलते थे क्योंकि विरोध की तरह, यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं। क्योंकि जो अंबेडकर थे एक विचारधारा को, जो नीचे तबके की विचारधारा को लेकर के चलते थे, और गांधी जी की जो विचारधारा थी वो एक पूंजीवादी प्रकृति की थी और वर्ण व्यवस्था वाली। तो गांधी जी और इनके बीच में विचारधारा को लेकर के टकराव रहता था यहाँ पर, या मिलते थे, जब ये कभी मिलते थे तो एक दूसरे का, तो अंबेडकर ने यही जाहिर किया, क्योंकि इसलिए नहीं मानते यहाँ पर गांधी जी को महात्मा, क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते समझे। तो यहाँ पर जो गांधी जी जो अंबेडकर से मिलते थे, अंबेडकर की दोनों की मुलाकात होती तो वो ऐसा बर्ताव होता था या एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि क्योंकि दूसरे लोग अगर मिलते थे गांधी जी से तो वो एक भक्त की तरह मिलते थे। गांधी जी यानी कि जो अंबेडकर है वो एक भक्त की तरह नहीं मिलते थे, ठीक है, और तो इसका मतलब है एक महात्मा का जो कर्तव्य होता है कि वो जो भी लोग मिले तो उसके साथ, चाहे वो आपका, क्योंकि विरोधी अपरोधी नहीं होता किसी महात्मा का, इसलिए क्योंकि जो भी लोग उनके पास पहुंचेगा, चाहे वो किसी जाति किसी वर्ग या किसी संप्रदाय का होगा, महात्मा का जो कर्तव्य है कि वो सभी को समान दृष्टि से देखे, यानी एक दृष्टि से देखे, इस प्रकार का, यानी कि अंबेडकर इस तरह से उन्होंने अपनी जीवनी में कहा है, इसलिए वो उनको महात्मा का दर्जा नहीं देना चाहते थे और ना मानते थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के दौरान ये महात्मा की उपाधि दी थी, क्योंकि उस समय जब एक चंपारण आंदोलन। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भारत रत्न की बात कर रहे हैं कि इनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया और अंबेडकर को भारत रत्न क्यों मिला, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, मिलते थे, यहाँ तक मैंने समझा दिया, और आगे चलते हैं यहाँ पर भारत रत्न। तो देखिए यहाँ पर भारत रत्न पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत रत्न कुछ असाधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को या मानवाधिकार कल्याण के लिए समर्पित व्यक्ति को दिया जाता था, यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता था कि जो असाधारण व्यक्ति हैं, ठीक है, और उन्होंने मानवता के लिए या समर्पित यानी व्यक्ति को दिया गया है, दिया जाता है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था, इसलिए इनको भारत रत्न नहीं दिया गया। अब आगे समझेंगे नेक्स्ट में, तो बच्चे यहां पर आगे समझेंगे नेक्स्ट में, हाँ, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे विचार
देखिए हमें भी पसीना आ जाता है, हमारे पास कोई हिस्सी विस्सी तो नहीं है, लेकिन आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, या जो बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें। आप देख के, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं तो आपको सही दिशा में लाने के लिए। और आजकल का समाज आप देख रहे हो वो ज़्यादातर दिग्विभ्रमित कर रहा है, तो हम तो आपके लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आप हैं और आपके जो होने वाले संतान हैं वो देश के एक उज्जवल भविष्य बने, और टीचर का यही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं उनको भेजें, शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।